हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जीट्रिक्स में। तो UKSSC का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया दोस्तों, संवाद 56, जो कि संबंधित है आपकी LT भर्ती परीक्षा में त्रुटिपूर्ण आवेदन भर दिए जाने के संबंध में। आयोग का यह नोटिफिकेशन दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 3/11/2020 को जारी किया गया है, जिसमें आयोग के द्वारा आपको क्लियर कट यह बता दिया गया है कि अगर आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि की जाती है और एट लास्ट ऑन आपका अगर सिलेक्शन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी वो चीज़ें एरर पाई जाती हैं, गलत चीज़ें पाई जाती हैं, तो आपको सीधे एग्जाम प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। और इसी के संबंध में आयोग का यह भी कहना है दोस्तों कि अगर आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आप अपनी सभी जानकारियां फीस सबमिट करने से पहले जरूर जांच लें, ताकि आपको आगे जाकर कोई समस्या ना हो। अगर फीस सबमिट करने से पहले आपकी कोई भी गलती हो चुकी है फॉर्म भरने में, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप फॉर्म भरते हैं उसमें कोई गलती हो जाती है आपकी फीस सबमिट करने से पहले, तो वहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन होता है और आप एडिट में जाकर उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने फीस सबमिट कर दी है तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन अलाउड नहीं होता है। उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपकी गलतियाँ हो गई हैं तो सबसे पहले आपको उस एग्जामिनेशन फॉर्म को माई एप्लीकेशन स्टेटस में जाके कैंसिल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोबारा से उस फॉर्म का एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और दोबारा से फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो यही है आज के नोटिफिकेशन का मेन थीम दोस्तों, कि सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर आपने उसमें कुछ त्रुटि कर दी है और अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी है, तो फीस सबमिट नहीं करी है तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसमें संशोधन करवा सकते हैं, आयोग से रिक्वेस्ट करके संशोधन करा सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाके वो चीज़ें एडिट हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है और आपकी फीस भी पेड हो चुकी है, तो उस कंडीशन में फिर आप लोगों को उस फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से नया फॉर्म भरना होता है। वही है दोस्तों आज के नोटिफिकेशन का मेन उद्देश्य, वही लिखा गया दोस्तों यहाँ पर। आप पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में आयोग द्वारा LT के पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसके आवेदन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और इसमें कई सारे लोगों ने आवेदन भी भर दिए हैं, लेकिन आयोग कार्यालय में ये अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ त्रुटियां भर दी गई हैं जिनका वह निराकरण करना चाहते हैं, और इसमें से कुछ मामले आरक्षण श्रेणी के परिवर्तन के भी हैं। तो आरक्षण श्रेणी के परिवर्तन के मामलों में तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई संशोधन मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप लोगों ने सपोज दैट SC के मतलब आप SC हो, अगर आपने जनरल फॉर्म भर दिया और आपका SC की मेरिट जितनी आप चाहते थे आप उसमें हो, लेकिन अगर आपने जनरल से फॉर्म भर दिया तो आप जनरल से सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर आप आयोग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोर्ट में और ना ही आयोग के माध्यम से। तो इसलिए अपनी कैटेगरी को तो खासकर बड़े ध्यान से भरें दोस्तों, ताकि आप लोगों को आगे जाकर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अपने जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी उनके एक्सपायरिंग डेट है, उसके आधार पर भी आप उन चीज़ों को लगाएं। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि आयोग अभ्यर्थी से निवेदन करना चाहता है कि जो फॉर्म भरना होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और आयोग के पिछले 5 वर्ष के अनुभव से ऐसे कई मामले आए हैं जिन्हें अभ्यर्थी चयन सूची में स्थान तो पा गए हैं, किंतु त्रुटिपूर्ण आवेदन के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त हो गया है और वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अभ्यर्थियों में एक भ्रांति यह हो सकती है कि आयोग के पास आवेदन पत्र है और अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उनके द्वारा की गई गलतियों को आयोग ठीक कर सकता है। इस विषय पर आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि आयोग में विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियाँ केवल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी जाती हैं, उसके उपरांत तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसी कारण जब भी आपका जो भी प्रवेश पत्र जारी होता है, जो भी चीज़ें आपकी आगे जाकर रहेंगी, वह उसी डाटा के आधार पर रहेंगी जो कि आपने फॉर्म भरा हुआ है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी जाते हैं तो कि जो सबमिटेड फॉर्म होगा वही आयोग वहां पे डॉक्यूमेंट के आपके डॉक्यूमेंट ली उसी के आधार पर चेक करेगा। तो अगर कोई भी अनुसूचित जाति सामान्य श्रेणी में आ जाएगा, सामान्य वाला सपोज अनुसूचित जाति भर के उसमें सेलेक्ट हो जाता है और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर उसे एटलीस्ट बाहर होना पड़ेगा। और खासकर फीमेल कैंडिडेट को भी यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट कभी कभी क्या होती है, जो उनका 30% रिजर्वेशन होता है उसे कैच नहीं करते हैं, उस ऑप्शन को नो कर देते हैं, उसके बाद में उनका सिलेक्शन जर्नल में हो जाता है और फिर बाद में वही मुद्दा आता है कि मैंने तो उसे यस किया था, वो नो कैसे हुआ। ये गलतियाँ काफ़ी अधिकतर होती हैं, तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं या जहाँ से भी आप फॉर्म भरवाते हैं तो एक बार इन गलतियों को आप जरूर से चेक कर लें। तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है कैसे आपको एडिट करना है। अगर आपके आवेदन पत्र में फीस जमा करने से पहले कोई भी गलती हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट का विकल्प होगा और आप इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीस जमा कर चुके हैं तो फिर आपकी डाटा फ्रीज हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से आवेदन करना है। पहले वाले जो आवेदन किया हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। तो यही था दोस्तों आज का नोटिफिकेशन संवाद 56। आप काफ़ी सारे लोगों को यार डाउट्स हैं कि सर आयोग एग्जाम कब कराएगा, तो यार आप आयोग का कहना तो है कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम कराऊंगा, लेकिन नवंबर में तो फिलहाल लग नहीं रहा है कि कोई भी एग्जाम होगा, तो दिसंबर में ही होप्स हो कि कोई एग्जाम आप लोगों का हो जाए। तो आज की वीडियो में थैंक दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।